अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हर तरह की परेशानी, बलाएं, मुसीबत, आफत वाला से आप सब महफूज रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरे लिए दुआ करिए और मैं आपके लिए दुआ करूँगी। तो ये मेरा इवनिंग का शाम का रूटीन होता है। शाम को मैं कपड़े वगैरह बाहर से उठा के लेके आती हूँ, और ये डस्टबिन मैंने बाहर पे सुखाया था। सॉरी, डस्टबिन मैंने धो के बाहर पे सुखाया था। और ये जो है, ये देखिए, ये राइस का पानी होता है ना, राइस पक जाने के बाद जो पानी है होती, वो मैं जो ये जो है ना, पेड़ लौकी का जो पेड़ होता है ना, आप उस पे डाला करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा खाद के जैसे काम करता है। इससे पेड़ बहुत जल्दी ग्रो होता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है ये, आप ठंडी होने के बाद ही ट्राई करें, क्योंकि गर्मी में गर्म अगर ट्राई करेंगे तो वो गज जल जाएगा। और मैं यहाँ पे डस्टबिन को रखने जा मैं सीधे आ गई बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा दोपहर में नैप ले लेती हूँ, इस वजह से मैं दोपहर में नहीं धोती हूँ, और मैं शाम को ही बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई थी बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। और ज़्यादा गर्मी भी होती है, तो आप खा के उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए मुझे तो बहुत दिक्कतें होती है। और इतना गर्मी पे ना बर्तन वगैरह साफ़ करने का मन भी नहीं करता है, तो शाम को थोड़ा ठंडी होती है तो उसी टाइम पे ही मैं साफ़ करती हूँ। तो ज़्यादा भी शाम नहीं, बस 5 साढ़े 5 के अंदर ही मैं जो हूँ, 5:30 या 6 बजे के टाइम पे ही मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। और ये देखिए, ये कुछ बोल रहे थे मुझे, तो उन्हीं से ही मैं बात कर रही थी, मुझे कुछ बोल रहे थे। तो उसके बाद जो है, बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैं कुछ नाश्ता वगैरह करती हूँ, बिस्किट वगैरह खाती हूँ, और यही मेरा रूटीन होता है शाम को। शाम को मैं भी ऐसी टाइप से ही बिजी रहती हूँ। और आप सब बताइए कि आप सब कैसे शाम को बिजी रहते हैं? हर हर घर पे तो यही सारा काम ही होता है, शाम को यही इवनिंग रूटीन ही होता है। तो हम यहाँ पे 9 या 10 बजे ही खाना खाते। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा से गर्मी लग रहा है, और मेरा सब काम ख़त्म हो गया। और मैं दोपहर में बर्तन वगैरह नहीं धोती हूँ, मैं थोड़ा नैप ले लेती हूँ। मेरा थोड़ा आदत है, जब छोटी थी तब तब से मेरा आदत है मैं दोपहर में सोने का। अगर मैं नहीं सोऊंगी तो मेरा सर में पेन शुरू हो जाएगा। और गर्मी के मौसम पे तो मैं ज़रूर ही सोती हूँ, ठंडी के मौसम पे अगर स्किप हो जाती है तो हो जाती है, टाइम ये होती है, लेकिन गर्मी के मौसम पे मैं श्योर सो जाती हूँ। और ये मेरा घर देख रहे हैं ना, दृश्य ये है, तो आप किचन पे खड़े होके जब खाना वाना बनाएंगे तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और मेरा किचन थोड़ा हाइट पे है, जैसे लगता है कि सूरज आके सर के ऊपर है।
और बहुत चलो ये भी अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि इतना भी इंसान को ना हमसे छोटे हमसे गरीब इंसान जो होते हैं ना, तो इतना भी इंसान को नसीब नहीं होती। अल्लाह पाक ने तो हमें इतना घर भी दिया है, नसीब क्या है। फिर आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मैं लेके आई हूँ पानी, और ज़्यादा जब गर्मी होती है तो मैं ग्लूकोज वाला पानी पीती हूँ, और मेरा ग्लूकोज पूरा ख़त्म था, और तो चलिए मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। सॉरी आपको नॉइस प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो हमारे घर के साइड पे ही एक मंदिर है, तो वहाँ से नॉइज़ आ रहा होगा, तो माफ़ करना क्योंकि नॉइज़ आ रहा था। तो ये यहाँ पे मैं सीधे आ गई दूध गर्म करने के लिए, तो दूध जो आया था उसको मैं छान के गर्म करने के लिए मैं गैस पे बिठा देती हूँ। और आज शाम कभी सुबह आता है तो कभी शाम को आता है, सुबह आता है तो मैं सुबह ही गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि इतना गर्मी पड़ा है तो आपका दूध ही फट जाती है। और मैं आज शाम में आया था तो शाम में ही गर्म कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं बच्चों के लिए आ गई हूँ गरम पानी करने के लिए। मैं बोल रही थी कि मैं गरम पानी और कलौंजी खा लो, तो बोले नहीं मैं नींबू और गरम पानी ही पीऊँगी। तो लेकिन वो जो है मतलब कि बच्ची को जो है ना, आप अभी ज़्यादातर बच्ची का जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनका खास करके ख्याल रखिए, क्योंकि अभी जो है ना कोरोना का इस तरीके से सिचुएशन चला है। अभी तो हमारे यहाँ पे इंडिया पे तो सितंबर महीना से बच्चों लोग का जो है कोरोना आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मतलब अब बच्चे होते हैं कीमती, तो इतना ज़्यादा डर लगता है ना कि कैसे हम उनका पेम्पर कर सके, कैसे क्या कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखती हूँ, तो मैं एक एक आपको पार्ट बाय पार्ट में दिखाऊँगी। ये देखिए मैं पहले तो आप गर्म पानी और कलौंजी दे सकते हैं, सेकंड पैर गर्म पानी और नींबू दे सकते हैं, थर्ड पे मैं अगर जो करूँगी आपको मैं श्योर दिखाऊँगी। तो खास करके बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं भी कभी कभी स्किप कर देती हूँ, लेकिन बच्चों का स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो है ना इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़्यादा लो रहती है। तो इस तरह से बच्चे का श्योर ख्याल रखें। और हमारे यहाँ पे तो वायरस बहुत ही उड़ीसा पे तो वायरस इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना कि मतलब मत पूछिए। तो इसी तरह से बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें, बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को बाहर ज़्यादा ना जाने दें। तो मैं यहीं पर ही ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।